हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबके बीच एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, लोग YouTube पे आते हैं, Facebook पे आते हैं, लेकिन बाद में वो सोचते हैं कि किस कैमरे से वीडियो बनाऊं ताकि हमारे मोबाइल से क्लियर आए, क्योंकि शुरू में सब कैमरा नहीं खरीद सकते। कैमरा इस समय 50,000, 60,000, 70,000, लाख रुपए का भी आता है, तो शुरू में पैसे तो इतने मिलते नहीं कि हर आदमी कैमरा अफोर्ड कर सके, इसलिए आदमी मोबाइल से ही शुरू करता है। तो मोबाइल से लोग जब शुरू करते हैं तो वो सोचते हैं कि कौन सा कैमरा इस्तेमाल करूं, ब्यूटी वाला, कि हमारा वीडियो एकदम HD आए, कैमरे से खींचा गया ऐसा आए, बड़ा कैमरे से खींचा गया ऐसा आए। सब चाहते हैं हमारी क्वालिटी बढ़िया रहे, ताकि हमारी ऑडियंस, जो हमारे दर्शक हैं, देखे तो बोले हाँ, इसके पास कैमरा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का कैमरा है, बढ़िया फ़ोटो आ रहा है, बढ़िया वीडियो आ रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास कैमरा है, कैमरे से वीडियो बनाते हैं, तो आपको कोई भी कैमरा अदर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपका जो कैमरा होता है मोबाइल का रियर कैमरा, वही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आपके मोबाइल में जो कैमरा है उसकी क्वालिटी बहुत ही बेटर होती है। वो मोबाइल खुद दिया है वो कैमरा, ठीक है, बना के। और अगर आप कोई अदर प्ले स्टोर से कैमरा डाउनलोड कर लेते हैं, ब्यूटी लगा लेते हैं, लेकिन उतनी क्वालिटी नहीं रहेगी। और आपको बता दूं एक बात, अगर दूसरा कैमरा आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हैं तो आपका मोबाइल गर्म भी होता है, हीट हो जाता है, क्योंकि आपके मोबाइल से और आपका कैमरा जो डाउनलोड करते हैं वो मैच नहीं करता। इसलिए आप कभी भी देख लो, जब भी कोई आप दूसरा कैमरा डाउनलोड करते हैं तो आपका मोबाइल गर्म हो जाता है, अगर उस कैमरे से आप वीडियो बनाते हैं। आप ओपन कैमरा ही ले लो, अगर उससे आप वीडियो बनाते हैं, देखो कैसा मोबाइल गर्म हो जाता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए आपके मोबाइल के हिसाब से, तो जो आपका कैमरा आपके मोबाइल में दिया है उसी से वीडियो बनाइए, बहुत ही अच्छा वीडियो बनेगा। हालाँ अगर आपका भारी मोबाइल है तो अच्छा क्वालिटी का थोड़ा कैमरा होगा, अगर आपका मोबाइल मीडियम क्वालिटी का है, मीडियम प्राइस का है, तो भी जो है कि उसका कैमरा उसके हिसाब से सही रहता है। तो अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग जो करेंगे वो क्वालिटी बहुत ही अच्छी रहेगी। आपने देखा होगा, जब ज़्यादा पैसे का हम मोबाइल लेते हैं, हाई प्राइस का, तो उसमें कैमरा क्वालिटी थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि उस मोबाइल में वो कैमरा मैच करता है। लेकिन आप अगर मीडियम प्राइस का आप मोबाइल लेते हो तो उसका कैमरे की क्वालिटी घट जाती है, क्योंकि उस प्रोसेस में उस मोबाइल में वही मैच कर रहा है। अगर सस्ता मोबाइल है 10-15 हज़ार का और आप उसमें हाई क्वालिटी का कैमरा लगा देंगे तो वो मैच नहीं करेगा। इसलिए जैसा मोबाइल वैसा कैमरा देती है कंपनी मोबाइल की। तो दोस्तों, मिला जुला के मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये है कि अगर आप YouTube पे वीडियो बनाते हो, Facebook पे वीडियो बनाते हो, Instagram पे वीडियो बनाते हो, तो अपना जो मोबाइल का कैमरा होता है, आपके मोबाइल का कैमरा, उसी से वीडियो बनाओ, बहुत ही अच्छा वीडियो बनेगा, अच्छी क्वालिटी का बनेगा। तो दोस्तों, यही था इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल नन्हेलाल टेक को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग और जानकारी भरी वीडियो मैं आप सबके बीच लाता रहता हूँ।